रही हूँ। हाँ ना, 10 मिनट। वो मेरा मोबाइल चोरी करके ले गया। पकड़ो उसको, पकड़ो, 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 पकड़ो। और सुनील कमीने घटिया इंसान और डाकू, तुम्हें शर्म नहीं आती मोबाइल चलाते हुए? ओ भाई हुआ क्या? अच्छा हुआ क्या है? और जहां से मोबाइल छीन के भाग रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? और तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? अच्छा गलतफहमी हमें हुई है, मोबाइल छीन के तुम भाग रहे हो। और पकड़ो इसे। एक मिनट। वही तो, ड्रेसिंग से तो ऐसे लग रहा था जैसे बहुत बड़ा अफसर है और काम चोरों वाले। एक मिनट। ओ भाई अगर मैं चोर होता ना तो मैं रुकता ना, मोटरसाइकिल पे भाग जाता। वो तो मैं इस बीबी को सबक सिखाने के लिए ये काम किया। कल मैं भी सड़क पे इसी तरह जा रहा था, आईफोन था मेरे पास, ऐसे बात कर रहा था, दो डाकू हैं मुझसे छीन के भागे हैं। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए ये काम किया बीबी। ये अपना फोन पकड़ो और एहतियात करना, आइंदा कभी भी इस तरह सड़क पे बात ना करना। अच्छा तो ये बात थी। अरे भाई आप कितने अच्छे हैं, आप जैसे भले इंसान दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, जो लोगों को आगाह भी करते हैं और लोगों की इस्लाह भी करते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं आइंदा एहतियात करूंगी, अपना मोबाइल और अपना पर्स घर पर ही छोड़ कर आऊंगी। शाबाश, ये बात हुई ना। और तुम तीनों भाई भी मेरी बात सुनो। yeah. एकदम से मामा नहीं बन जाते कि किसी ने कहा चोर चोर डाकू डाकू तो पीछे भागना शुरू कर दिया। अगर पीछे भागना ना और तो कम से कम जागर लो, जागर। इस तरह गिर जाओगे, पाँव टूट जाएगा तुम्हारा। और एक और बात बताऊं, ये डाकू जो होते हैं ना इनके पास पिस्टल भी होता है। एक मिनट लगाते ठा ओ गया बंदा, समझे हो ना मेरी बात? और तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनका ख्याल करो और किसी की बात के पीछे लाके भाग ना जाया करो, आमी फटर हो जाओगे किसी दिन। यार बात तो सही कर रहा है यार, हम माफी चाहते हैं, हम आपको तो डाकू समझ रहे थे। माफी दे देना भाई जी अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगी है तो। और कोई बात नहीं भाई, ऐसी गलतफहमी हो जाती है, मेरा तो काम था समझाना। अगर तुम लोग समझ जाओगे ठीक है, नहीं समझोगे तब भी ठीक है। नहीं नहीं आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। शुक्रिया भाई। वाह उस्ताद जी, वाह उस्ताद जी के बच्चे है। और तुम्हें पता नहीं है, और घर से सुबह सुबह डकैती के लिए निकले हैं और मोटरसाइकिल में तेल नहीं है। ओए तुम्हें मैंने 1000 रुपया दिया था और मैंने कहा था 500 का तेल डलवा और 500 का नाश्ता ला, तेल की तरह। हाँ ना डलवाया था उस्ताद जी, 500 का तेल। हाँ सुबह घर के काम किए, अंडे लेके आया हूँ, ब्रेड लेके आया हूँ, दूध लेके आया हूँ, तो मुझे क्या पता था कि अब डकैती करने निकलेंगे तो जरब लग जाएगा। जरब लग जाएगा बच्चे। ओए अगर मैं अकलमंदी ना करता तो तुम्हें पता हमारा क्या हाल होना था? जैसे वो तीनों बुरछे आए थे और हमारी बोटियां कर देनी थी, और बाद में थाने वालों ने क्या करना था, पांजा फिट करना था, और आवाज क्या निकली थी पता तुम्हें?